हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो हमारे पास व्यू का जो हमारे पास रिबन होता है, जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिबन होते हैं, जैसे फाइल मेन्यू, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, एड इन्स, ये वाला टैब मैंने खुद ही ऐड किया है। इसे आप मैं आपको इसके लिए भी एक अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बता सकूंगा कि आप अपने एक अगर आपको एक टैब चाहिए जिसमें आप अपना कस्टमाइज जो भी ऑप्शंस रखना चाहते हैं तो कैसे रख सकते हैं, इस तरीके से टीम और आप अपने ऑप्शन को उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ व्यू जो हमारा जो टैब होता है आज इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें जितने भी हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं इनको आप एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास एक जैसे डेटा है और मुझे इसे जूम करके देखना है। सपोज़ मैं बहुत छोटा है इस तरीके से और मुझे इसे जूम करके देखना है, तो आप व्यू टैब में चले जाइए। आपको यहाँ पे भी जाके आप इसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं जो सबसे लेफ़्ट कॉर्नर में होता है एक्सपेंड करने के लिए, और इसे मिनिमाइज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन आप व्यू टैब में अगर जाएंगे तो व्यू टैब में जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे 100% के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो 100% का एक हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल ने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। वैसे नॉर्मली हर चीज़ में 100% ही होता है लेकिन हम इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको 100% चाहिए तो यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे अगर आपका कुछ ज़्यादा इस तरीके से कुछ इसका साइज़ बड़ा है तो आप सिंपली व्यू बटन में जाके 100% पे क्लिक करेंगे तो इसके नॉर्मल साइज़ में ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप 100% से सब समझ गए होंगे। अगर आपकी कोई वैल्यू है, अगर इसे आप जूम करके देखना चाहते हैं, बहुत छोटे छोटे उसमें लिखा हुआ है, सपोज़ इस तरह से ये बहुत छोटा हो गया है, मतलब इस तरह से बहुत छोटे छोटे, जैसे 8 है इसका साइज़ और इस तरह से बहुत छोटे छोटे, तो आप इसे जूम करके देखना चाहते हैं कोई भी फील्ड को, आप पर्टिकुलर को, तो सब जूम कर सकते हैं इस तरीके से। और जूम करने के बाद आप उसका साइज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से और जूम करके देख सकते हैं। यार वापस जाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, 100% पे क्लिक करिए तो हट जाएगा। जूम पे जाने के बाद एक तो होता है हमारे पास 200, 100, 75, 50, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना होता है जूम सिलेक्शन पे जाएंगे, जूम पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप अपने, जैसे मैं 107 कर देता हूँ, अगर ये मेरे को लगता है सही है तो आप इसके अकॉर्डिंगली भी अपनी शीट को उसकी जो हाइट, विड्थ और जो उसको आप उसको सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप इसमें 100 है, 100 के बाद 110, 20, 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप 107 पे नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ इसी ऑप्शन से कर सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद कस्टम में जाने के बाद मैं 107, 109 जो भी मैं अपना व्यू रखना चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं उसे यहाँ पर कर सकता हूँ। यहाँ पर 109 देखिए आ गया। अगर नॉर्मली आप इसके थ्रू करेंगे तो नहीं आ पाएगा, तो इसके थ्रू आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने जो एक्सेल का व्यू है इसे। ठीक है, तो हमारे पास और जो ऑप्शंस हैं इसमें व्यू टैब में, तो एक है हमारे पास हेडिंग। ये हेडिंग आप देख रहे हैं ABCD, अगर आप चाहते हैं कि ये भी ना दिखे तो आप हेडिंग पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी हेडिंग्स हट जाएंगे और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग भी हट जाएगी। कई बार क्या होता है कि लोग इस पर गलती से अनचेक कर देते हैं, फिर वो ढूंढते रहते हैं कि इनका ABCD कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप सिंपली जाके आप व्यू टैब के अंदर हेडिंग में क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा मेन्यू आ जाएगा, ABCD 1 2 3 का वाला। उसी तरीके से आपका फार्मूला बार, अगर ये वाला बार अगर आप चाहते हैं कि नहीं रखना है आपने, तो फार्मूला बार पे आप क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार डिसअपियर हो जाएगा। कभी कभी गलती से भी जाता है, तो अगर गलती से हो गया तो फार्मूला बार में जाके उसे चेक कर दीजिए, आपका फार्मूला बार फिर से अपियर हो जाएगा। फिर होता है ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमारे पास ये सेल्स हैं, सेल्स के लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन में जो भी इस तरह की ये लाइंस हैं इसे बोलते हैं सेल और इन्हें बोलते हैं ग्रिड लाइंस। अगर इन ग्रिड लाइंस को आप हटाना चाहते हो तो आप सिंपली ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा हट जाएगा। ये वाला इसलिए नहीं हटाएं कि हमने ये मैन्युअली इसके जो होम पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो इसके बॉर्डर को हमने खुद ही डिफाइन किया है, तो बॉर्डर नहीं हटेगा, ये आपके सिर्फ ग्रिड लाइंस हटेगी। तो आप अगर आपको बॉर्डर भी हटाना है तो व्यू टैब से नहीं, आप इसे सिंपली राइट क्लिक करके या तो आप पूरे बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करके बॉर्डर लाइन में जाके नो होगा, यहाँ पे नो बॉर्डर्स करेंगे तो आपके बॉर्डर हट जाएंगे। इस तरीके से आप अपने बॉर्डर लाइन को भी हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल गया इनका ग्रिड लाइंस का फंडा क्या है, हेडलाइन और हेडिंग्स है, सॉरी हेडलाइन बोल रहा था मैं, ग्रिड लाइन और हेडलाइन को मैच हो गया। इसी तरीके से कस्टम व्यूज़ होता है, इसके बारे में मेरा पुराना ट्यूटोरियल देखेंगे तो उसमें आपको कस्टम व्यूज़ के बारे में पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद पेज लेआउट।
पेज लेआउट, ये हमारा पेज है बेसिकली। अब इसका लेआउट कैसा चाहते हैं हम, पेज लेआउट पे मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह के हमारा पेज लेआउट चेंज हो जाएगा। जो हेडर और फुट, क्लिक टू एड एड ए फुटर, हेडर एंड फुटर, इस तरीके से इसका व्यू आ जाएगा। जैसे प्रिंट करवाना है आपने, अगर इसी वाले फॉर्म में आपको आप डेटा को यूज़ करते हैं तो आप इस तरह से आप इसके पेज लेआउट को चेंज कर सकते हैं। फिर हम अगर आपको नॉर्मल व्यू में लेके जाना है तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्मल लिखा होता है, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो विंडो नॉर्मल साइज़ में जो आपके डिफाइन है तो उसमें पहुंच जाएगी। इसी तरीके से मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूं तो पेज ब्रेक में हमारी एक्स्ट्रा लाइन्स हट जाएगी और एक्सेल इसको एक खुद ही मतलब एक इसके एक डिफाइन रेंज होती है डेटा के अकॉर्डिंगली, उसमें सिर्फ उसी डेटा को रिप्रेजेंट करेगा जितना उसका डेटा है और उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब उसका लेफ्ट एंड राइट में थोड़ा थोड़ा उसमें डेटा आ जाएगा। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू से आप इस तरीके से अपने शीट को दिखा सकते हैं, मतलब आपकी एक्स्ट्रा सेल्स हट जाएंगी यहाँ से। नॉर्मल साइज़ में आपको सिर्फ नॉर्मल में क्लिक करना है तो नॉर्मल में आ जाएगी। पेज ब्रेक, नॉर्मल और पेज लेआउट आप समझ ही चुके होंगे। इसके बाद ये जूम 100% तो पता ही है आपको, 100% कहीं भी आपकी विंडो बड़ी छोटी कुछ भी सीधा आप 100% पे करेंगे तो आपके 100% आ जाएगी। इसी तरीके से आपको न्यू विंडोज़ का भी मैंने एक ट्यूटोरियल ऑलरेडी बनाया हुआ है तो आप उस न्यू विंडोज़ को देख सकते हैं। इसके बाद आता है अरेंज ऑल, इसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो है, आप मेरे वीडियो ट्यूटोरियल में देख सकते हैं इसके बारे में। फ्रीज फैन के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। स्प्लिट भी आप मेरा एक प्रीवियस से पहले का जो ट्यूटोरियल है उसे आप चेक करेंगे तो उसमें स्प्लिट हाइड, हाइड मतलब बेसिकली क्या होता है, हाइड ये पूरी शीट को हाइड कर देगा, क्लिक करेंगे शीट हाइड हो गई है। और इस तरह से अनहाइड लेकिन मेरा हाईलाइटेड हो गया, इस पर आप क्लिक करूँगा तो ये शीट दिखाएगा कि कौन कौन सी शीट है। मैं वन करता हूँ तो ये फिर से अनहाइड कर देगा। इसी तरीके से स्विच विंडो, स्विच विंडो में होता है कि अगर आपके मल्टीपल फाइल्स ओपन है, अभी तो मेरी एक ही फाइल है, मैं कंट्रोल एन करके एक नई फाइल ऐड कर देता हूँ और मैं व्यू टैब में जाने के बाद स्विच विंडो करता हूँ तो मेरी दोनों वर्कबुक दिखाएगा, तो हम ईजिली किसी भी विंडो में स्विच कर सकते हैं। तीसरा होता है मैक्रो, मैक्रो मतलब जो भी आपके मैक्रो अगर व्यू करना चाहते हो, रिकॉर्ड करना चाहते हो, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, तो आप मैक्रो को यहाँ से भी देख सकते हैं आपके जो भी मैक्रो शीट में है। तो मैंने व्यू मैक्रो किया तो इतने मैक्रो इस वाली शीट में बने हुए हैं, तो इस तरीके से मैं व्यू मैक्रो में जाके देख सकता हूँ कि कितने मेरे इस मैक्रो में बने हुए हैं। इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट F8, ऑल्ट F8 प्रेस करेंगे तो भी आपको दिख जाएगा इस वाली वर्कबुक में कितने मेरे मैक्रोस बने हुए हैं। तो आप व्यू टैब में जितने भी मैंने ऑप्शन बताए हैं आपको तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको न्यू विंडोज़, अरेंज ऑल, फ्री स्पैन, स्विच विंडोज़ और मैक्रो, मैक्रो तो ये तो ईजी हैं, इसे तो आप ऐसे ही देख के पता लगा लेंगे। ऑल्ट F8 से आप इजीली कितने भी मैक्रो आपके शीट में हैं तो उन्हें ईजीली यहाँ पे विजुलाइज़ कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखिए, जिससे कि आप एक्सेल से रिलेटेड कुछ भी नई टिप्स एंड ट्रिक्स है तो मैं आपको इनसे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। Thank you for watching. Have a nice day.